जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के कैमरा डेड इश्यू के बारे में। और आप खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि गाइस Redmi Note 10 Pro जो कैमरा डेड इश्यू था उसके अंदर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। सो फुल एक्सप्लेन करने वाला। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम भी वो छोटे क्रिएटर हैं जिनकी बदौलत आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखने मिले। जितने भी बड़े क्रिएटर थे उनमें से सभी के मुँह में दही जमा हुआ था, लेकिन हम सब बोलते रहे, आप लोग बोलते रहे, आखिरकार ब्रांड को है ना यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है। और कल ये रात को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया कि Redmi Note 10 Pro का जो कैमरा डेड इशू हो रहा है वो आप 2000 प्लस सर्विस सेंटर, उन्होंने मेंशन किया कि इनके अंदर जाकर आप वहाँ पर इसको जो है ना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हैं, चाहे आपके डिवाइस के अंदर कोई भी इश्यू क्यों ना हो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, क्योंकि इसको लेकर मैंने उनको रिप्लाई किया था कि प्लीज़ आप बताइए इसके अंदर जो आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस उनको लिया जाएगा, जिन लोगों के डिवाइसेस पे स्क्रैच है क्या उनको भी लिया जाएगा। लेकिन इसका अभी तक रिप्लाई नहीं है, लेकिन 99% ये श्योर है कि आपके डिवाइस में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस बड़े क्रिएटर्स की। भाई लोग, तुम लोग क्या करते हो, हमारा ये जो चैनल है, अभी आप ये वीडियो दोनों चैनल पे देखोगे, YT फॉर रिटर्न एंड टेक्निकल हेल्प पॉइंट, क्योंकि ये मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा वीडियो, इस वजह से मैं इसको ना दोनों चैनलों पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर YT फॉर रिटर्न पे मैंने एक वीडियो डाला था, पोको एक्स 3 प्रो डेड होता उस टाइम जब हमारा ये जो चैनल YT फॉर रिटर्न बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था, नया चैनल था, फिर भी एक महीने के अंदर 300 प्लस सब्सक्राइबर, 2000 घंटे प्लस का वॉच टाइम इसने गेन कर लिया था। लेकिन जैसे ही हमने वो वीडियो डाला उसके अंदर हमने बहुत सारे क्रिएटर को रोस्ट कर दिया था, मतलब बताया था कि आप लोग क्यों नहीं बोलते यार, क्योंकि गाइज ये ना इनके अंदर कोई भी डिवाइस आने वाला होता है इसके ये बहुत ही पहले हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रांड ने पैसे ऑलरेडी भेज देते हैं और उसके बाद इनको व्यूज चाहिए। तो उसका मतलब Redmi Note 12 सीरीज आई नहीं है, लेकिन यदि आप टेक्नोलॉजीज की टेक न्यूज़ देखोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि इसको 2 महीने पहले ही उन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिया। लेकिन पोको एक्स 3 प्रो डेड हुआ, इन्होंने कोई भी किसी भी टेक न्यूज़ के अंदर कवर नहीं किया। Redmi Note 10 Pro का कैमरा डेड हो रहा था, इन्होंने किसी भी टेक न्यूज़ के अंदर कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि जैसे हम कवर करेंगे हो सकता है ब्रांड हमारे पास स्मार्टफोन नहीं भेजेगा, हमें पैसे नहीं भेजेगा, तो ये लोग साइड में रहते हैं। सैमसंग की जो एम सीरीज और ए सीरीज है उसके डिवाइसेस एंड्रॉइड 12 अपडेट आने के बाद उनकी पावर डेड हो रही थी, एक्सिनोस 9611 का जो प्रोसेसर है वो वाले, लेकिन इन्होंने किसी में भी कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, कि इनको पता है यार हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, इस वजह से ये लोग नहीं करते। लेकिन हम ही वो क्रिएटर, छोटे छोटे क्रिएटर, मैंने लगभग जनवरी में एक ट्वीट किया था, आप साइड में देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने उसको रीट्वीट किया और ब्रांड ने, जब मैंने इसको रीट्वीट किया, मेरा खुद का कैमरा डेड हुआ था, मेरे डिवाइस का बैक ग्लास टूटा हुआ था, तो मैंने क्या किया, ब्रांड से पूछा कि भाई ये इस तरीके से मेरा कैमरा डेड हो, तो उन्होंने लास्ट में क्या बोला, ज़्यादा मैंने जब उनका दिमाग आया तो बोले आप सर्विस सेंटर जाइए, आपका डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने उनको क्या रिप्लाई किया था, मैंने उनका मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाहिए, और जहाँ तक सवाल है मेरे डिवाइस का, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ तो मैं खुद इसको रिपेयर कर सकता हूँ, रही बात फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की, तो मैं आपकी सपोर्ट के बिना आपके सर्विस सेंटर में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकता हूँ। इन्होंने बोला आप जॉब सीट दे वो आपको भेजना है, IMEI नंबर भेजना है, सर्विस सेंटर कहाँ पर है वो भेज दीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। लेकिन मैंने उन्हें क्लियर बोला कि आप लोग मत करो, क्योंकि मेरा डिवाइस मैं करवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों की औकात नहीं है कि आप लोग रोक सको, ये चीज़ मैंने औकात की तो नहीं बोली, लेकिन क्लियर बोला था कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ, और हमारा डिवाइस बैक ग्लास टूटा हुआ था उसके बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर से रिपेयर होकर आया था, और हमारी वारंटी का केवल एक दिन बनता था, और उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन किया जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, चाहो तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जितने भी क्रिएटर है सब बोल रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ तक ज्ञान थेरेपी ने बोला था कि बोलने से कुछ नहीं होता, चलो मान लेते हैं बोलने से कुछ नहीं, ये बोलने से ही हुआ है। लेकिन उनका हम प्लस पॉइंट एक देखें कि इतना बड़ा क्रिएटर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना तो बोला कि ये डेड इश्यू आ रहा है, लेकिन बाकी जो बड़े क्रिएटर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रैकिंग टेज हो, चाहे टेक बार हो, चाहे टेक्निकल गुरुजी हो, चाहे टेक्नोलॉजी ज्ञान हो, इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और आप लोग जिनको सपोर्ट करते हैं वो आज तक कुछ नहीं बोले। कल एक साहिल करो नाम से, उन्होंने जो इसको रिगार्डिंग एक ट्वीट किया था, उसके बाद में रिप्लाई आया था, उससे पहले भी बहुत सारे लोग ट्वीट कर चुके थे, मैं ऑलरेडी ट्वीट कर चुका था, ऑलरेडी 2-4 वीडियो आप लोगों को दे चुका था किस तरीके का इश्यू आ रहा है, ये 100% नहीं, 100% गाइस ये जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी। काफी लोग ये बोले थे कि ये जो ना मतलब कि अपडेट की इश्यू है, तो मैंने उनको क्लियर बोला था कि आप इसको अपडेट से मत बोलिए, मेरी आप लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम है उसके अंदर चेकआउट कर सकते हो टेक्निकल हेल्प पॉइंट पे, वहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि इसको आप अपडेट से मत जोड़िएगा, जितना ज़्यादा आप अपडेट से इसको जोड़ोगे उतना ज़्यादा डिले देखने मिलेगा, और आपको यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। आज जो बड़े क्रिएटर है, आज आप देख लेना जो टेक्नोलॉजी है उनकी जो टेक न्यूज़ आएगी उसके अंदर आप देख लेना, आपको वहाँ पर है ना ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले भाई लोग आप क्या कर रहे थे, अब आप लोगों का ना इमोशन गेन करने के लिए और आप लोगों से
अटैचमेंट बनाए रखने के लिए और इस प्रॉब्लम्स का क्रेडिट लेने के लिए इसको टेक्नो रूज है जो कवर करेगा, 99% करेगा। और आप लोग भी इतने भोले हो कि वहाँ पर जाकर आप उसके चिपक जाओगे, मतलब जितने भी बड़े क्रिएटर टेक्नो रूज, एक की बात नहीं करूँ मैं, सभी की बात करूँ, आप वहाँ पर जाकर चिपक जाओगे। लेकिन जब आप लोगों को डिवाइस में प्रॉब्लम आती है तो इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता, और जब नया डिवाइस आता है तो आपको ज़रूर ये सजेस्ट करते हैं कि इसको ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर है ना मतलब बैग भर भर के पैसे पहुँचाए जाते हैं, इस वजह से ये लोग ज़रूर बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब कोई नहीं बोलता, तब हम जैसे क्रिएटर बोलते हैं, आप लोग क्या करते हो उसका कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, ये रियलिटी है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को स्टैंड लिया था पोको एक्स 3 प्रो के लिए, तब क्या होता इस चैनल पर अच्छी रेंज थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लेकिन बहुत सारे उनके फैन थे बड़े यूट्यूबर्स के, जिन्होंने वीडियोज़ को रिपोर्ट मारा, मेरे वीडियोज़ को रिपोर्ट मारा, इसके मेरे चैनल की जो रेंज है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी, मेरा चैनल उसी महीने मोनेटाइज हो जाता, लेकिन आज तक 8 महीने हो चुके मोनेटाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आप लोगों का सपोर्ट लिया था, आप लोगों ने क्या सब्सक्राइब नहीं किया, उल्टे उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने मेरे चैनल की रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने की वजह से मेरा चैनल डाउन चला गया और हम 8 महीने केवल 700 और कुछ सब्सक्राइबर गेन कर पाए। लेकिन हमारा जो पहला महीना था उसके अंदर हमने 350 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे और 2000 घंटे का वॉच टाइम भी गेन कर लिया था। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट लेने का मुझे क्या फ़ायदा मिला कि मेरा चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं है, आज तक मेरा चैनल ग्रो नहीं है, क्योंकि लोगों ने रिपोर्ट मारी। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोगों की सपोर्ट लेने की वजह से आज ब्रांड ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया और आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट 99% रिपेयर किया जाए, मुझे इस बात की खुशी है। मेरा चैनल भले ही मोनेटाइज नहीं हो, अब आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, जरूर से आज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर गाइस कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आप लोगों के लिए स्टैंड ले सके और आप लोगों के साथ खड़े हो सके। हमारा चैनल आज इतना छोटा है फिर भी हम आप लोगों के साथ खड़े, आने वाले फ्यूचर्स में हमारा चैनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए हम आप लोगों के साथ जैसे अब खड़े उसी तरीके से खड़े रहेंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसके खिलाफ जरूर से बोलेंगे, ब्रांड चाहे कुछ भी कहे। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरा टेक्निकल एयरपोर्ट चैनल अच्छा ग्रो है तो वहाँ पर ब्रांड ने बोला था कि आप लोग क्या कीजिए कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करें, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड के कहने पर नहीं करवाया बल्कि मेरा माइंड यूज़ करके मैंने जरूर से करवाया था, इस पर मैंने फुल एक्सप्लेन वीडियो भी डाला। सो गाइस आप लोगों के कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाइए, आपका डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर दिया जाएगा। और बोलने से ही सब कुछ, हमने पोको एक्स 3 के लिए बोला तो पोको ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके उसकी जो वारंटी थी उसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया, यानी कि यदि आपकी आज 1 साल हो चुका है तो उसके बाद में भी आपको 6 महीने की वारंटी और मिलेगी। आपके पास कोई भी आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते थे नेक्स्ट 6 मंथ तक। और गाइस अभी जो रेडमी है उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके स्टोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करने का सर्विस सेंटर को जो ऐलान कर दिया। सो गाइस खुशियां मनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए सर्विस सेंटर और आपके डिवाइस में इश्यू है उसको रिपेयर करिए। हम जैसे क्रिएटर को जरूर से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप छोटे क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करोगे ये बड़े वाले आपका काटते थे, काटते हैं और काटते रहेंगे।